दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है फिर से हमारी एक नई वीडियो पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सेहत के फायदों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो सेहत का रोजाना सेवन करते होंगे, और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो सेहत का सेवन कभी कभी करते होंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि जिस सेहत को आप खाते हो उससे आपको क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्या क्या नुकसान होते हैं, ये कभी आपने जानने की कोशिश की है? अगर नहीं की है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर सेहत खाने से आपको क्या क्या फ़ायदे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही लाजवाब फ़ायदे बताने वाला हूँ सेहत को खाने के, और शायद ही आपने इन फायदों को पहले कभी सुना होगा। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए जब आप कोई भी वीडियो यूट्यूब पर देखने के लिए खोलते हैं तो आप प्लीज़ उसे पूरा देखा करें, क्योंकि देखिए जो भी आप वीडियो खोलेंगे उससे आपको कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर मिलेगी। तो इसलिए आप जो भी वीडियो देखें उसको आप कंप्लीट एंड तक देखें। तो मैं आपको यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने भी अगर मेरी इस वीडियो को खोला है देखने के लिए तो प्लीज़ पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त बेनिफिट बताने जा रहा हूँ इस सेहत के बारे में। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर पॉइंट वाइज मैं आपको बताने वाला हूँ, इन पॉइंट्स को आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है और अच्छे से समझना है और अपने दिमाग में बैठाना है, ठीक है? और ये ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपको नॉलेज होगी तभी आप किसी अन्य को भी इसके बारे में बता सकेंगे। तो शुरू करते हैं पहले बेनिफिट से। तो दोस्तों पहला बेनिफिट हमारा है कि मान लीजिए आपको खांसी आ रही है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जुखाम होता है या बुखार होता है, उस समय हमें खांसी आना शुरू होती है, लेकिन जब हम दवा लेते हैं तो उस कुछ दिनों बाद हमारा जो फीवर है या जो हमारा जुखाम है वो ठीक हो जाता है, लेकिन जो हमारी खांसी होती है वो काफ़ी लंबे समय तक हमें आती है। तो अगर मान लीजिए आपके साथ भी यही सेम प्रॉब्लम है तो आप उस समय शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी खांसी को ख़त्म करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त आयुर्वेदिक दवा है, और मैं आपको बोलना चाहूँगा कि करना क्या है आपको कि एक चम्मच लेना है, उसमें आपको दो बार इसे डाल करके पी लेना है, ठीक है? चम्मच में दो चम्मच आपको इसे पीना है, और आपको दिन में कम से कम एक या दो बार ऐसा करना है, और आप महसूस करेंगे कि जो आपको खांसी आ रही है वो धीरे धीरे आपकी कम होने लग जाएगी, ठीक है? तो पहला बेनिफिट हमारा कंप्लीट होता है। अब सेकेंड बेनिफिट हमारा है कि अगर मान लीजिए आप शहद का सेवन करते हैं तो ये आपको तुरंत एनर्जी प्रदान करता है, यानी कि इंस्टेंट एनर्जी प्रदान करता है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में आपको ग्लूकोज मिल जाता है जो कि आपके शरीर में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होता है और आपको तुरंत एनर्जी प्रदान करता है। तो अगर मान लीजिए आप सुबह इसका सेवन करते हैं तो आप पूरे दिन आप अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करते हैं और आपको थकान भी बिल्कुल नहीं लगती है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा अगर मान लीजिए आप एक्सरसाइज करने जा रहे हैं तो उससे पहले आप आधा से एक चम्मच इसे आप मतलब पी लें या इसका सेवन कर लें तो उससे आपको एनर्जी तो मिलेगी ही मिलेगी, इसके अलावा आपको थकान बिल्कुल महसूस नहीं होगी वर्कआउट के समय, ठीक है? अब बढ़ते हैं हम अपने थर्ड बेनिफिट पे। थर्ड बेनिफिट हमारा है कि अगर आप अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करना चाहते हैं तो उस समय भी आप इस शहद का सेवन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस शहद में एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल जो तत्व होते हैं वो मिलते हैं, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में काफ़ी ज़्यादा हमारी मदद करते हैं। तो अगर आप भी अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करना चाहते हैं तो आप इस शहद का सेवन कर सकते हैं, ठीक है? अब बढ़ते हैं अपने फोर्थ बेनिफिट की तरफ। चौथा बेनिफिट हमारा है उन लोगों के लिए जिन्हें बीपी की समस्या है। जी हाँ दोस्तों, अगर मान लीजिए आपके बीपी की समस्या है तो उस समय आपको क्या करना है, एक चम्मच शहद को
गर्म पानी में, एक गिलास गर्म पानी में मिला करके आपको इसे पी लेना है। इससे आपका जो बीपी है वो नियंत्रित रहेगा, कंट्रोल में रहेगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं पांचवें बेनिफिट पे। पांचवा बेनिफिट हमारा उन लोगों के लिए है जिनको अपना वेट लॉस करना है, यानी वजन कम करना है। जी हाँ दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो अपना वेट लॉस करना चाहते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं कि वो वेट लॉस करने के लिए वो क्या डाइट लें या क्या करें जिससे कि उनका वेट जो है वो बहुत ही आसानी से लॉस हो सके, कम हो सके। तो यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप इस शहद का सेवन करते हैं तो ये आपकी भूख को नियंत्रित करता है, यानी कि ये आपको भूख नहीं लगने देता है और उस तरह से आप अपने वेट को कम कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आप अगर चाय लेते हैं या कॉफ़ी लेते हैं तो उसमें आपको एक चम्मच इस शहद को डाल करके उसमें मिला लेना है और उसे पी लेना है। इससे आपका जो भूख है वो कंट्रोल में रहेगी और आप अपने वेट को आसानी से लॉस कर सकेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट बेनिफिट यानी कि सिक्स बेनिफिट पे। सिक्स बेनिफिट हमारा है कि अगर मान लीजिए आपके चोट लग गई है या कहीं पर घाव है तो उस पर आप इस शहद को लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही जल्दी ये जो शहद है आपके उस घाव को या उस चोट को ठीक करने में मदद करता है। जी हाँ दोस्तों, इसको लगाने से जो आपका घाव है वो बहुत ही जल्दी भरता है और इसके अलावा उसमें किसी भी प्रकार का संक्रमण नहीं होने देता है। और जैसे ही आप उस घाव में या उस चोट में लगाएंगे तो ये उसके दर्द को और उसकी जो सूजन है उसको ये बहुत ही जल्दी खत्म करने में आपकी मदद करता है। तो इसलिए आप कि अगर घाव कहीं पर है या चोट अगर है तो वहाँ पर आप शहद जरूर लगाएं, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट बेनिफिट। नेक्स्ट बेनिफिट हमारा यानी कि सातवां बेनिफिट है हमारा कि अगर मान लीजिए आप माइनर बर्न यानी कि अगर आप के छोटी सी जलन है यानी कहीं छोटा मोटा अगर आपके जल गया है तो उस पर आप तुरंत इस शहद को लगा दें तो आपको बहुत ही जल्द आराम मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जब हम कहीं पर जल जाते हैं छोटा मोटा, अगर हम आपको मतलब कहीं जल गए हैं तो आप उस पर जैसे ही इसको लगाएंगे तो ये उस जहाँ पर आपके जला हुआ है वहाँ पर सूजन को, जलन को और दर्द को कम करने में आपकी मदद करता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए आप कहीं जले हुए हैं, आपके जलन का कहीं घाव है तो वहाँ अगर आप इसको लगाते हैं शहद को रोजाना तो वहाँ पर ये किसी भी प्रकार के संक्रमण को यानी कि किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन को ये उत्पन्न नहीं होने देता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपके कहीं पर छोटी सी जलन है तो वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट बेनिफिट पे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और वो है हमारे चेहरे के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये खास तौर से लड़कियों के लिए है जो लाश वाला बेनिफिट है, क्योंकि लड़कियाँ बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती हैं अपने फेस को लेकर के, उनके काले धब्बे हो रहे हैं, मुहासे हो रहे हैं, झुर्रियाँ हो रही हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये सारी समस्या हैं, ठीक है, तो आप इस शहद का इस्तेमाल करें, आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेगा। जी हाँ, अगर मान लीजिए आपके मुहासे हैं, काले धब्बे हैं चेहरे पर या फिर झुर्रियाँ हैं, तो उस समय आप क्या करें कि शहद को ले लें और अपने चेहरे पर एक मास्क टाइप का बना करके लगा लें और उसे 30 मिनट तक के आप मसाज करती रहें, ठीक है। ऐसा करने से आपके जो चेहरा है वो बिल्कुल साफ़ हो जाए, यानी जो आपके चेहरे की स्किन है वो साफ़ हो जाएगी, मुहासे वगैरह नहीं होंगे और अगर आपकी मान लीजिए स्किन जो ड्राई है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त मॉइस्चराइजर का काम करता है, आपके चेहरे को नमी प्रदान करता है। इसके अलावा मान लीजिए अगर आपके होंठ फटे हुए हैं तो होंठों पर भी आप इसको लगा सकते हैं, ये आपके होंठों को भी नरम और मुलायम बनाता है। तो दोस्तों, ये हमारे कुछ यानी कि आठ बेनिफिट थे जो मैंने आपको बताया इस शहद के बारे में। अब आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में जाकर के बताएं कि आपको इनमें से कौन कौन से बेनिफिट पहले से पता थे, और मुझे आप ये भी बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, नॉलेजेबल वीडियो थी कि नहीं थी, आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताएं। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में शेयर कर दें ताकि उनको भी इस शहद के बेनिफिट के बारे में पता चले। तो दोस्तों, आप मेरी इस वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।